Yo boys, welcome back to our channel Xeno Zone guys. आ चुके हम लोग यहाँ पे दोबारा से भाई Brawl Star game के साथ, जहाँ पर मेरे पास एक नई skin आई है भाई साहब, फुटबॉल वाली यार। तो टैप करते हम लोग यहाँ पर जरा। चलिए भाई, हम लोगों के यहाँ पर Daryl character की एक नई brand new skin आ चुकी है। तो यहाँ पर उस वाले कैरेक्टर की स्किन को टेस्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर इस बैंडिता शैली की भी पावर्स को चेकआउट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं मैचेस हम लोग यहाँ पर इसी के साथ। आप लोग भाई जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से भाग के आ जाइए। प्लस आपको मिल जाएगी यहाँ पर इस गेम के अलावा हमारे चैनल पे 1700 डिफरेंट गेम की वीडियोस हमारे चैनल के पहले सेशन पे, जाइए और चेकआउट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि इस करेक्टर की पावर क्या है। ठीक है, ओ बेटे, एक बारी में 40 के आसपास गोलियां जो है छोड़ रहा है, और इसकी जो एचपी है यहाँ पर वो 5000 है, जो कि भाई बुरी एचपी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। पर एक लौंडा नीचे से आ रहा है, आजा साले तेरी मौत का नंगा नाच मैं ही करूँगा। मुष्टि का प्रहार कर रहा है वह तेरी तो नंगे आदमी भागता कहाँ है। ओ अबे, इस कैरेक्टर की पावर पता है क्या है? नॉर्मली ये फेंक रहा है 30 से 40 गोली, इसका जो अल्ट है उसमें भाई साहब 500 गोलियां फेंक रहा है। और उसकी हैंड की मजे ही मजे आया गाइस, बहुत ही भयंकर सीरियस बैटल रॉयल गेम चल रहा है यहाँ पर। 1v1 का होगा अब यहाँ पर बैटल। भगवान भालू कहाँ से आ गया इसकी बहन की? ओ भाग ले जीना, भालू आ गया। बेटे अगर तू है भालू बेटे, तो मेरी क्लास में पढ़ती थी एक लड़की जिसका नाम था शालू, जो खाती थी आलू। बिहेव सीनो, बिहेव। वाह सनी पाजी, कसुआ करेक्टर तो काफी कर रहा है, लग रहा है सीनो। देखते हैं यहाँ पे लास्ट शोडाउन में जीत पाता है या नहीं। मार अल्ट हो गया, फट तेरी तो गजब। करेक्टर बहुत स्ट्रांग है, करेक्टर बहुत स्ट्रांग है। ये तालियां, बहुत बढ़िया यार, मुझे ऐसे ही चीज़ें तो पसंद आती हैं जहाँ पर माहौल में मजे आ जाए। और यहाँ पे इसने भाई साहब मार्वल के निक फ्यूरी की तरह भाई साहब अपनी एक आंख को ढका हुआ है, लगता है उसी खानदान का होगा ये। ओ दोनों इवेंट आ चुके हैं यहाँ पे भाई, वाइप आउट और 5v5 का नॉकआउट। तो भाई इन दोनों इवेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर खेलने वाले हैं। भाई गेम के अंदर इवेंट्स इतने सारे हैं कि मजे आ जाते हैं इसकी बहन की। चले गाइस, हम लोगों के पास यहाँ पे भाई कुछ और करेक्टर्स भी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, कई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे भाई नए मोड के मजे भी जरा ले लेते हैं। वाइप आउट का नया मोड आ चुका है, 3v3 का बैटल वाइप आउट करना है दुश्मन की स्क्वाड को। आक्रमण झुंडा इसकी बहन की विंडी। चलो आ रहे, लाल है पूरा ठेला लाल है। अबे मारना, नाइस, वन हिट डाउन। एक मिनट, अच्छा वापस भी आ सकते हैं रिस्पॉन होके। वो ठीक है, यानी कि हम लोग, अच्छा हम लोगों को 10, मतलब हम लोगों को देखो दिख रहा होगा आप लोगों को टॉप लेफ्ट के अंदर कि आपको 10 कैरेक्टर मारने दुश्मन के। ठीक है भाई, 6 मार चुके हैं। शेर की दहाड़ बेटा, जीनो की मामी पावर आ चुकी है, ये ले तोहफा। बहुत से 8 दौड़ मारने, भागता छुप गया जाके झाड़ी के अंदर, झाड़ी में छुपता है, मजा आता है नोटी और आके बहन के। भाई लास्ट किल, जीत गए। ये देखो भाई साहब क्या बढ़त हुई थी भाई, इसे ही कहते हैं महासंग्राम, मौत का नंगा नाच करना भाई साहब। 3 किल्स करी मैंने यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन सी, बढ़िया। पर हमारे पास यहाँ पर इस कैरेक्टर से भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो भाई दूसरा इवेंट आया है 5v5 नॉकआउट का, इसको भी एक बार हम लोग यहाँ पर इस कैरेक्टर से चेकआउट कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे अपने कैरेक्टर को चेंज। टेंशन की बात नहीं है, ब्रॉल स्टार बोलते हैं मज़े आते हैं भाई। आइए गाइस, डिफीट अपोजिंग ब्रोलर्स, 5v5 का बैटल, कौन बनेगा महारथी। चलो भाई, मैं जा रहा हूँ राइट से, लेफ्ट में आ गया, राइट से भी आ रहा, इलते रित होते डाउन किया, लेफ्ट में बंदा बचा हुआ है, 3 तीर डाल तो मार रहा हूं। अच्छा इस इवेंट के अंदर जो मर गया दो रिसोर्स के नहीं आएगा वो, यानी कि आपको थोड़ा सतर्क सावधान होके खेलना पड़ेगा। आए रब्बा मेरी हेल्थ बहुत कम, मुझे भाग रहा हूं मैं।
पर हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। ये आ जाओ, इस बार हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ से। डर दे गया जीनो भाई, तेरी तो अल्ट मारता हूँ। बहुत लेफ्ट से आ रहा है। मैं पता नहीं भाई किस लौंडे ने मेरे ऊपर इतना गंदा परफ्यूम छोड़ दिया भाई, सब लगता है मूली के पराठे का आया था वो, पर तब भी मेरी स्क्वाड यहाँ पे जीती गई है। भैया देखो भाई साहब क्या बढ़े तो थी। ओह ओह 10 करेक्टर की पावर का भाई साहब सुपर क्लैश हुआ था यहाँ पर। बड़े भाई कैसे कैसे करेक्टर है भाई, ये कौन सा करेक्टर है? अरे कैसे करेक्टर है वो? ऐसे नहीं बाजी कसम, वो गेम तो बहुत ही करारी है लेकिन इसके करेक्टर्स और भी तकड़े हैं। घूम जा घूम जा, ठीक है बढ़िया। लेकिन हम लोग जरा बहुत देर हो चुकी है, जरा करेक्टर्स को चेंज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर भाई आई यहाँ भी इवेंट मिल रहा है। हम लोग रुक जाओ, जहाँ जहाँ से मिलेंगे रिवॉर्ड भाई साहब मैं तो उठाता चलूँगा। सुपर रेयर ले ओ बेटे, आया गाइस। अब यहाँ पर समय आ चुका है कि हम लोग फटाफट से जाएं और करेक्टर को चेंज करें जल्दी से। तो आइए हम लोगों को भाई मिला था यहाँ पर जो एक करेक्टर की नई स्किन, हमारा जो करेक्टर था यहाँ पर डेरिल वाला, तो डेरिल को हम लोग करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट। इसको थोड़ा ये करते हैं अपग्रेड ज़रा नई नई स्किन के साथ। अरे गियर अन लॉक, गियर क्या है? हर लोगों को मिलता है कुछ गियर स्लॉट पावर लेवल 8 के बाद, मल्टीपल गियर्स लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और इसके अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा हम लोगों को पहला गियर लगाएंगे। लेकिन भाई बात भाई गोल्ड कॉइंस ही नहीं है भाई, 1000 गोल्ड कॉइंस में आप लोग लगा सकते हैं भाई यहाँ पर पहला गियर। तो फिलहाल तो हम लोग लगा नहीं सकते, तो यार रह नहीं देते, मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए गाइस हम लोग भाई इस कटे साथ भाई शुरुआत करते हैं नॉर्मल मैच की ही। तब तक आप लोग भाई यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, ये माँ भाई फ्री रिवॉर्ड लाओ। चलिए रेडी गाइस, शुरुआत की जाए आज के महासंग्राम की। कौन सा मोड खेलूं? जैम क्रैब खेलना है क्या? आ जाओ जैम क्रैब खेलेंगे, बहुत गेम मोड से गेम के अंदर भाई मजे आ जाते हैं एकदम। चलो भाई 3v3 की स्कोर तैयार है यहाँ पर, चलो अत्यंत तुरंत झमंडा। टैटे इधर आ बेटे, तेरा ही वेट कर रहा था मैं। मार मार मार, मेरी हेल्थ कम बची है, रब्बा बचा ले मैनू। मैं नहीं जा रहा आगे, आगे हो रहा मौत से नंगा नाच। ले बेटे टपा टप टपा टप टपा टप, मेरी हेल्थ बहुत कम बची है। ले बेटे ओ उसकी भी हेल्थ कम बची है, मेरी भी हेल्थ कम बची है, लेकिन भाई साहब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई पड़ी इस समय। झाड़ियों में छुपा हुआ था ढंडा, कहाँ है मेरा चप्पल, कहाँ है दियो जरा। ऐसे नहीं मानेगा इसकी, हमें यहाँ पर जियान का सुनियो करना ही पड़ेगा। निपावर आ चुकी है, इधर हम बैठे बहुत भाग रहा है, डाउन किया बहुत गजब, कुत्ता बना के मार रहे मेरी स्क्वाड। एक और गया, लास्ट बचा हुआ है, मेरी हेल्थ बहुत कम बची हुई है, 900 की हेल्थ बची है। खुद मार खुद मार, मैं आऊंगा ही नहीं, मैं बेटे आऊंगा ही नहीं, मेरी हेल्थ नहीं बची, मुझे बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं है, मुझे भाई मरने से बहुत डर लगता है। माहौल में शांति, एक हम लोगों को चाहिए डायमंड, आ गया अब होगा यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट। अब बस हम लोगों को यहाँ पर अपने 10 क्रिस्टल्स को होल्ड करना है 10 सेकंड तक। मेरी पावर आ चुकी, रिजल्ट आ गया, लगता है मुझे घुसना पड़ेगा। तिगुना के ओ कैन मारो सालों के, जीत गए। ये देखो भाई स्ट्रैटेजी गेम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि गेम भाई बहुत मजेदार है। 3 किल्स करे मैंने यहाँ, ये अब भंगड़ा पहन लिया। और भाई साहब ये तो नेचुरली भंगड़ा पा रहा है भाई, लगता है ये भी पंजाबी करेक्टर है। बढ़िया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है यहाँ पर। बस 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 बस, देखो जब तक आप लोग यहाँ पर जो इनका क्लासिक मेटल रॉयल गेम है भाई, जब तक आप लोग वो नहीं खेलोगे मजा कहाँ से आएगा। तो हम लोग चलते हैं जरा शोडाउन सोलो की तरफ, फटाफट से खेलेंगे इसी करेक्टर के साथ। देखो भाई इस गेम का क्लासिक वही है जो हम खेलेंगे यहाँ पर शोडाउन वाला जो है। रेडी आ जाओ सोलो शोडाउन, बी द सोलो सर्वाइवर। 10 लोग सब राम भरोसे नहीं, खुद के भरोसे खेलने वाले हैं। आ जाओ उरे बेटे, उरे बेटे। ओहो ओहो आराम से आराम से,
चलो भाई आ जाओ। भाई ये दो आपस में भिड़ गए, अबे क्या हो गया, उसे तेरी वैन छेड़ दी क्या, इतना गुस्सा हो गया। उठाते हैं इसको, माहौल में शांति, बचे हैं बस यहाँ पर 8 लौंडे, पर बेचे मैं भी इसकी मार के रहूंगा, मतलब गोलियां वोलियां मार के रहूंगा यार। भाई भाई लेफ्ट में मार रहा है, राइट में मार रहा है, ऊपर मार रहा है, मजे ही मजे इसकी वैन की। पर मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग ढूंढनी पड़ेगी। येलो जीनो का हमला, ओ कूद गई, हाय रब्बा नीचे से भी एक आ गया। नहीं गलती कर दी मैंने, हाँ मैंने गलती कर दी, मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, अबे शर्म के मारे भाई साहब फुटबॉल बन गया है तो, अबे साले बाहर निकल, ओए बाहर निकल रहे, ओए ऐसे नहीं मारेगा गाइस, आ जाओ एक और बैटल करना पड़ेगा भाई, इज्जत पे आ गई ये बात। आए गाइस मंत्र पढ़े मेरे साथ, मंत्र बोले गोल गोल रानी कितना कितना पानी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जीनो की गोली खानी पड़ेगी, जीनो के करेक्टर के हाथों से मरना पड़ेगा, शैतानी हरामी जीनो मॉरिसन, वो आ जाओ। अब देखो अब मैं खेलूंगा यहाँ पे भाई स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बुरा बंदा वहां पर आ जा, तेरा ही वेट कर रहा हूँ। पड़ी पड़ी पड़ी, कोई बात नहीं कोई बात कोई बात नहीं, उसकी खुद की भी हेल्थ डाउन है यहाँ पर, रिस्क नहीं लेगा वो, भाग गया क्योंकि उसे पता है कि उसको यहाँ पर एंड तक सर्वाइव करना है, तो भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में वो बैटल में उलझ जाएगा, तो भाई फिर आगे चल के क्या ही कर लेगा। अब मेरी बारी है, रेडी गोली आंदो गोली आंदो गोली आंदो, थर्ड पार्टी करूंगा मजा आएगा। ये ला तेरी बहन, डाउन किया इसके बिल्ले का, सिसी मानू मारू, भागना पड़ेगा। अबे ये कौन सा करेक्टर है जो परफ्यूम परफ्यूम छोड़ रहा है, कौन सी गैस छोड़ रहा है भाई, मूली के परांठे तेरी तो, डाउन किया साले को, हाय रब्बा भालू आ गया, जब तक रहेगा समोसे में आलू, अरे भग जा मोटे भग जा यहां से, तेरी तो मेरे पीछे भालू ही छोड़ दिया साले ने। आ जाओ, माहौल में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी और शांति भी, 1v1 का बैटल, यानी कि सिर्फ एक लौंडा बचा है वहां पर, बचाओ मैं यहां पर, कौन जीतेगा। ये ले यूज करता हूं पावर, पीछे तो देखा बेचे जीने भैया यहाँ है, भालू, पर भालू से क्या होगा, जब मैं भाई तुझे पहले ही पीछे से मार दिया। बेटे इसे कहते हैं बदला लेना है, कसम राज कचौड़ी की। और हम लोगों को भाई यहाँ पे कैरेक्टर रैंक पुश भी हो रही है बढ़िया सी, चोट बोलते बस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चले, प्यार और सपोर्ट बरसाते चले। आ जाओ जैकी टैंक कैरेक्टर, लेट्स गो, आ रहा है स्टार्ट अनलॉकिंग अ न्यू रेयर ब्रॉलर। अब यहां पे हमारे सामने आ रहे हैं दो कैरेक्टर्स, ब्रॉक और बार्ले, लेकिन यार हमको चूज करना है सिर्फ एक, अब इनमें से अच्छा कौन सा है यार हमें क्या बता बे। अच्छा ट्राई भी कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं ट्राई कर लेते हैं इसको। आ जाओ पहले में कहेंगे भाई यहाँ पर ब्रॉक को ट्राई, ब्रॉक भाई आ जाओ अंडे। अच्छा रैंडम मैप लोकेशन आएगी, रैंडम गेम मोड, सोलो शोडाउन आ चुका है यहाँ पर, कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई यहाँ पर इस रॉकेट वाले लॉन्डे में कितना है दम। 5-5-10 लॉन्डे तैयार है महफिल में, चलो भाई रॉकेट वाले लॉन्डे दिखा दे तो क्या मारता है आज, आज दिखा दे आज तू भाई, बुरा बंदा सामने, ओ इसकी रेंज तो बहुत अच्छी है गाइस, इस रॉकेट वाले करेक्टर की रेंज तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत डिस्टेंस से मार पा रहा है। अबे दो लौंडे ने मार भी दिए अब तक मैंने, नाइस नाइस करेक्टर अच्छा है, पर देखते हैं कि क्लोज रेंज कॉम्बैक्ट भी अंदर भाई है, और यहाँ पे इसकी अल्ट क्या है, अल्ट मारिए भाई, ओ यानी कि अल्ट के अंदर ये एक छोटे रेंज के अंदर भाई रॉकेट का नंगा नाच कर देगा एकदम। एक कैरेक्टर नीचे है एक कैरेक्टर ऊपर है, ठीक है। अबे टकला कहाँ, अबे दद्दू कहाँ से आ गए यहाँ पर, पर मेरे पास यहाँ पे गोलियाँ ख़त्म हो रही हैं। अब देखो क्योंकि ऊपर आ रहा है पॉइजन, यानी कि दद्दू नीचे आएंगे ही आएंगे। ओहो चार लौंडे बचे हैं, दो लौंडे बचे हैं, यही उठाऊंगा फ़ायदा, ले बेटे गाइस फाइनल शोडाउन 1v1 का बैटल, लेकिन ढूंढना पड़ेगा वो एक लौंडा कहाँ छुपा हुआ है। अबे कहाँ है भाई, मर्द का बच्चा है तो सामने आ, नहीं आ रहा। अबे औरत का बच्चा है तो सामने आ, नहीं आ रहा। समोसा खाएगा, छोले भटूरे,
मैं कचौड़ी बोलने वाला था, दद्दू पहले आ गए, कोई बात नहीं दद्दू, ये लो दूर से ही दिखाऊंगा इनको यहाँ पे मैं रॉकेट के जलवे। दद्दू आ जाओ, रॉकेट खा जाओ। ओए सनी बाजी कसम उड़ाते दद्दू को। चलो भाई दद्दू तो हमारे यहाँ पे बिना अल्ट के ही मर गए। भाई शेड स्वेट पहन के स्वैग मेरा देसी कर रहा है लौंडा अपना। अरे मुस्कान की चमकान तो देखिए। पर यहाँ पर अभी भी हम लोग क्या, अच्छा इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आ जाओ करते हैं प्रैक्टिस मैच। यहाँ पे बाले भी देखते हैं भाई कितना दम है बाले के अंदर। जैम क्रैप का मोड आया यहाँ पर, अंडरमाइन। मैं पहले उसको अंडरलाइन बोलने वाला था। अरे भाई चलो आक्रमण करें, आ जाएंगे मजे कर। अरे अबे ये फेंकता आवाज है ठंडी दारू की बोतल। अबे तेरी तो बेवड़े। अच्छा इसकी जो दारू की बोतल है उससे वो जमीन के अंदर जहाँ पड़ेगी वहाँ पर भी आपकी हल्की हल्की तुझे हिल जाएगी दुश्मन के पॉइंट की स्क्वाड की। बहुत बढ़िया, यानी कि ये कैरेक्टर हमारा रॉकेट वाला कैरेक्टर सेम सेम है, बस फर्क क्या है कि ये कैरेक्टर थोड़ा टीम बेस पे खेलता है और वो रॉकेट वाला बंदा जो भाई वो सिंगल बेस खेलता है। ठीक है समझ गया मैं। यानी कि जहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा सोलो शोडाउन वहाँ पे भाई कैरेक्टर आप लोगों का रॉकेट वाला काम करेगा, और जहाँ आपको खेलने हैं 3v3 मोड्स यानी कि टीम वाले वहाँ पर ही आपका भाई सर दारू वाला काम करेगा। अबे शराबी बोतलें बोतल फेंके जा रहा है, उसका अल्ट भी मुझे लगता है यही होगा, दारू दारू पहले का ये मेरा अल्ट आ गया ये देखो। मेरी हेल्थ कम बची है यहाँ पर, लेकिन देखो एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है, जो ये कैरेक्टर है ना भले ही इसका जो अटैक है वो थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि भाई ये आपको ज़मीन के अंदर भी थोड़ी सी हेल्थ डाउन करता है अपोनेंट की स्क्वाड की, लेकिन इसकी खुद की एचपी कम है। और वहीं पे जो कैरेक्टर था हम लोगों का भाई वो रॉकेट वाला, वो डैमेज भी दे रहा था और उसकी एचपी भी इससे अच्छी थी, मतलब थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर था वो। तो गाइज ध्यान रखें हमेशा कैरेक्टर्स को लेने से पहले आप लोग भाई ट्राई करें, गूगल भी मत सुनो भाई, खुद खेल के खुद समझो कि आपके अंदर से आवाज़ क्या आ रही है कि भाई कैरेक्टरों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अल्ट मार दिया है, बढ़िया बोलो भाई 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 मार सारे की बोतल, मैं तो कह रहा हूँ। बस हम लोग यहाँ पे होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है गाइस, काउंटर में अल्ट मार। अरे ये अल्ट मारना था मुझे, मार दिया सालों ने, क्योंकि इस कैरेक्टर की एच पी इतनी कम है कोई भी मार देता है अगर ना चलता हुआ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, शराब की बोतलों के हमले। अबे क्या पावर है इस कैरेक्टर की, हालांकि हम लोग जीत चुके हैं यहाँ पर। अबे तेरा कैरेक्टर पेल दिए मैंने, क्योंकि भाई छोटा एरिया था ना, पर ठीक है कैरेक्टर अच्छा, लेकिन टीम के हिसाब से अच्छा है। अगर सोलो खेलोगे तो वहाँ पे तो भैया रॉकेट वाला ब्रॉक ही अच्छा है, तो हम लोग भाई यहाँ पर ब्रॉक को लेंगे फटाफट से। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग बार्ले ही लेना, मैं लूँगा ब्रॉक लेकिन आप लोग भाई यहाँ पे बाले ही लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़्यादा पसंद आने वाला होगा, क्योंकि भाई थोड़ा डैमेज अच्छा है। पर मैं यहाँ पर और भी चीज़ें देख के लेता हूँ कैरेक्टर भाई, तो हम लोग लेंगे हम लोगों का वन एंड ओनली ब्रॉक। ये नया लौंडा आ चुका है यहाँ पर हम लोगों के पास, स्टार्ट अनलॉकिंग अ न्यू एपिक ब्रॉलर। अब यहाँ पे अगेन आ चुके हैं दो कैरेक्टर। अबे सालों कितने कैरेक्टर टेस्ट करवाओगे मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं अब मौका मिल रहा है तो हम लोग भाई ट्राई कर लेते हैं। आ जाओ, हमने ले लिया गाइस यहाँ पर गांडीव धारी अर्जुन, नॉकआउट का आया यहाँ पर गेम मोड, तैयार हैं हम भी यहाँ पर, डरते थोड़ी ना इसकी बहन की, मजे ही मजे। चलो भाई पुष्पा, पुष्पा राज मैं झुकेगा ना इस सारा, आ जाओ। और अरे 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 अबे बाण है एटम बम है सारे के, ले तेरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे एक मिनट, ये जो कैरेक्टर है क्या इसके अल्ट के अंदर भाई ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा, तब क्या पता, चेक करके देखते हैं। आ गया मेरा अल्ट, देखते हैं इसका अल्ट क्या, आ जाओ क्या मारता है अल्ट पे, एक बंदा छुपा हुआ है वहां पे झाड़ियों के पीछे, गंदे का अल्ट मार। अबे यार वहां से मुझे कुछ अल्ट नजर ही नहीं आया यार, धोखा हो गया यार, दोबारा दिखाओ, इस बार मैं इसका अल्ट थोड़ा दूर से मारूंगा, नजर तो आया मारता क्या है। अल्ले बेटे आ गया अल्ट, अच्छा तो शायद हमारा जो कैरेक्टर है ये कुछ माइंस वगैरह फेंकता है, समझ गया। ठीक है ठीक है,
मतलब कुछ इतना बढ़िया सा तो मैं नहीं कहूँगा, पर भाई इसके नॉर्मल एरोज ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे तो बिना अटके भी भाई साहब ये लपेट सकता है। देख रहे हो उसके, और इसका जो एरो है भाई कितना खतरनाक है भाई साहब, लगता है मंत्र उच्चारण करके मार रहा है। अरे बस 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 भाई साहब, और अब चेक करते हैं भाई इस दूसरे कैरेक्टर को भी, EMZ। ओए गाइस, EMZ को लिया जाए। ब्रॉल बॉल भाई साहब आ चुका है फुटबॉल का, और बहुत बढ़िया भाई, यही गेम मोड रह गया था भाई, ये भी हम लोगों का आ गया। आ जाओ फुटबॉल से करेंगे स्कोर, और चेक करेंगे स्नेक एक्टर की पावर्स को। आक्रमण झुंडा, ओ अबे स्प्रे व्रे छोड़ रही है, इसकी अल्ट क्या है? अच्छा अल्ट के अंदर ही अपने पूरे एक एरिया के अंदर जहर छोड़ेगी और सबकी उसमें हेल्थ जाएगी, ठीक है। पर इस कैरेक्टर की भी हेल्थ बहुत कम है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ भाई, देखो जो कैरेक्टर आपको मिलता है लेफ्ट के अंदर उसका अटैक अच्छा होता है, पर उसका बचाएगा थोड़ा अल्ट थोड़ा सा हल्का सा बेकार होता है, ठीक है। पर जो कैरेक्टर मिलता है आपको सिलेक्शन के लिए राइट में, उसका थोड़ा अटैक वीक होता है पर उसका अल्ट बढ़िया होता है, और लेफ्ट वाले की जो HP है वो अच्छी होती है और राइट वाले की HP कम होती है। यानी कि हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन के दौरान, अबे ये कहाँ जा रहा है, अबे साले बोल तो मेरे पास है, कहाँ जा रहा है, मैं करूँगा स्कोर, ये ले बेटे। पीछे से मार रहा है, मम्मी जाने दे यार, मार दिया कमीने ने। या खुद देखो मैं बॉल को कितना पास ले गया था, लेकिन मेरी स्क्वाड वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, और करेंगे कहाँ से, साले कुछ जिंदा नहीं बच पा रहे। जा रहा हूँ बॉल लेके, हेल्प दियो मेरी, जा रहा हूँ, मार मार मुझे मारता रहे, खुद ही डर रहे हैं साले, मुझे क्या रोकेंगे। मर गया मैं, फंस गया। नहीं यार सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे भाई ये यार, रिश्ते के अंदर भाई साहब गर्लफ्रेंड साथ नहीं दे पा रही, घर में भाई साहब पेरेंट्स नहीं बात मान रहे, स्कूल के अंदर मैथ का टीचर टेस्ट लेने से बात नहीं मान रहा, बैक बेंचर कूट रहा है स्कूल के अंदर भाई साहब वो अलग, ट्यूशन में भी टेस्ट चल रहे हैं भाई साहब वो अलग टेंशन, मतलब बच्चे की मान लो भाई साहब, नहीं बच्चे की मान लो साहब, बच्चे नहीं है मजदूर हैं, मान लो हमारी हद कर रखी है भाई साहब, क्लास वर्क की कॉपी, होमवर्क की कॉपी, साली हॉलीडे होमवर्क की कॉपी, इसकी बहन की दुखी दुख। ओ आ जाओ, छुपा हुआ है घास के पीछे तोते, तेरा बुका भी आ रहा है, छुप रहा है मस्त है, निकल यहाँ से, मैं जा रहा हूँ स्कोर करने, लेकिन साले करने नहीं देंगे स्कोर, मेरी टीम को पता नहीं कहाँ मरा रही है साली। वो है सनी पाजी, कसम से खुद स्कोर आई है जिनो तेरी, इनको तो मैं ही पेल दूंगा। सनी पाजी मैं तो खुद रो रहा हूँ, डब्बे तोड़वा दिए सालों ने इसे, देखो ब्रोक लेसनर के भैया का साले कहाँ से कूद के आ रहा है नंगे आदमी, मेरी तो खुद की HP कम है, इनको क्या मारूंगा मैं, मेरे कैरेक्टर पे तो HP ही नहीं है यार, क्या करेगा जिंदगी में, निखट्टू आदमी एकदम। ओवर टाइम करा दिया एक मिनट का, बताओ कोई बात नहीं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ये जीते लायक थे भी नहीं भाई स्कोर, इतनी गधी स्कोर आई थी मेरी तो भाई, तापमान गर्म हो गया। तो हम लोग भाई यहाँ पे लेंगे गांडीव धारी अर्जुन, इसका नाम है बो, और ये मारता है बो एंड एरो, भाई साहब क्या राइमिंग करती है, लेकिन भाई अबे जो करेक्टर हमने सेलेक्ट किया था वो है कहाँ पर है, हाय रब्बा धोखा, अबे तो ये रहा, अच्छा ये हमको, अच्छा वो से, अबे अच्छा से टेस्ट करवा रहे थे, लेना खुद ही पड़ेगा, अबे यार ऐसे ही उम्मीदें बढ़वा देते हो जिंदगी के अंदर यार, ये गलत हो रहा भाई सब, ये गलत हो रहा भाई सब, ये बच्चों की इमोशंस के साथ खेलने की जो गंदी हैबिट दिखा रहे हैं ना डेवलपर्स भाई साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पर भाई फ्री में तो आपस में भाई, मतलब देखो भाई फ्री में तो आपको भाई घंटा कुछ नहीं देगा कोई भी आपके माँ बाप के अलावा, तो भाई ये डेवलपर्स भाई क्या ही देते, कोई बात नहीं कलेक्ट करते हम लोग भाई यहाँ पर रिवॉर्ड्स को, आन दो भाई रिवॉर्ड्स ही भाई गेम के अंदर आपको वो सुख देते हैं कि भाई मजा आ जाता है। सुपर एपिक मिल गया, बढ़िया भाई बढ़िया। चले गाइस आई होप भाई अभी के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं इस गेम की वीडियो को, क्योंकि हम लोग ने भाई यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर चेकआउट भी कर लिए हैं, और हम लोग भाई क्रोकोडाइल से हम लोग खेल नहीं पाए हैं इस बार, इनके हम लोग अगली बार क्रोकोडाइल से दोबारा जरूर खेलेंगे, हमारा जो कैरेक्टर है बस वाला यहाँ पर, तो जाइए भी फटाफट से भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से मेरे लॉन्डो। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they're